अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 48 करना है जी, 9th क्लास मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसको देखना है। तो इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन करनी है जी। क्वेश्चन है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप देख लें जी, ये क्या बन रहा है। ये हमारे पास x का स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है। टू फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4 है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, ये वाला माइनस 4y का स्क्वायर है, एज इट इज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना हमारे पास, ये एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर बन रही है। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये माइनस 4y का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला बन जाता है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनेगा जी a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ गया जी, x प्लस 2y प्लस 4, एक्स माइनस 2y प्लस 4। यह स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है 4x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर। तो इसमें आप देखें कि आप इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी बचा x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। जब भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है ना, जब भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, तो उसके लिए आपने देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे काम करना है। ये एक्स का स्क्वायर बनेगा जी, ये माइनस ये 2y होल का स्क्वायर बन गया, ये बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आंसर आ गया। आप लोग देख रहे हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं और आसान है, ये सिर्फ उसी वक्त में आपको ऐसी लगेंगे जब आप लोगों ने एक्सरसाइज के फार्मूले वगैरह अच्छे तरीके से किए हुए हैं। ये हमारे पास फार्मूला था जो भी हमने यूज किया जी। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट करना है, 9x के प्लस 27x प्लस 8 है। 9 को हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 72 जी। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी, इसका 9x के प्लस 27x प्लस 8 है जी। हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 72 प्लस में, मिड टर्म इसकी आया 27, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, 72 है जी, तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 3 दा 6 और 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो अब देखें कि ये बना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे फैक्टर्स आपने इसके लिख दिए। अब अगर आप देखें कि अगर हम फर्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24 और ये बना 3। तो 24 और 3 हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, ऐड करें तो 27 आता है। तो यही फैक्टर्स हमने इसके अंदर लिखनी है, 9x का स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। तो इसकी आएगा जी 9x का स्क्वायर प्लस 27 के जगह हमने लिख लिया 24x और साथ में 3x आएगा प्लस 8, यानी कि ये जो 27 था ना, इसको हम लोगों ने 24 प्लस 3 लिख लिया। अब आप इसमें देखें इन टू में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, तो ये आएगा 3x प्लस 8, इसमें से क्या कॉमन है 1, 3x प्लस 8, तो 3x प्लस 8 सब में से कॉमन आ गया, तो 3x प्लस 1 हमारे पास आ गया रिमेनिंग वैल्यू, ये फैक्टर बन गया इसका जी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 4, 1 माइनस 64 जी का क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं जी 1 का क्यूब माइनस 4 जी का क्यूब। तो ये फॉर्मूला बनता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये बनेगा a माइनस b a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, ये बना 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4z प्लस 4z का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 4z, 1 प्लस 4z प्लस 16z का स्क्वायर,
ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखें स्टूडेंट्स। एक्स का स्क्वेयर, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, ये देखें क्या बन रहा है हमारे पास। इसमें फॉर्मूला लगेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसमें देखें हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, ये x का क्यूब बना हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना, जी स्टूडेंट्स साहब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास 2y² + 5y - 3। तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होनी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 आ गया ये प्लस 5 है। तो इसके देखें फैक्टर्स क्या बने, 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ऐड करें तो 5 आता है, लेकिन ये -6 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -6। तो इसके फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, -2 और -3 और 2 -1 हो जाएगा। अगर हम लोग ये फैक्टर्स लेते हैं इसके -6 और +1, ये फैक्टर्स इसके नहीं आएंगे। -6 + 1 मल्टीप्लाई करें तो आपका पास आंसर आया -6, ऐड करने से आपके पास आंसर आता है -5, जबकि हमें +5 चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें 6 प्लस का ले लें और अब 1 जो है वो माइनस का ले लें। तो अब आप चेक करें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, मल्टीप्लाई करें तो -6 ऐड किया तो +5। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2y² + 6y - 5 - 3। इन दोनों में से देखें 2y कॉमन है, y + 3 आ गया, -1 कॉमन आ गया, y + 3, y + 3 कॉमन आ गया हमारे पास, बाकी बचा 2y - 1। ये आप लोगों का आंसर आ गया। आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की हैं ये जस्ट उसकी रेपिटेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 25m² n² + 10mn+1। इसमें देखें हमारे पास क्या है जी, ये बना 5mn² ये 1 है तो 1² प्लस 2 फार्मूले का आ गया 5mn, तो साथ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया 5mn + 1² क्योंकि ये फार्मूले है ना, a² + 2ab + b² जो कि इक्वल होता है a + b² के, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क नोट करें, होमवर्क में आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना चैप्टर नंबर 5 की, इसके टोटल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जी फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोगों ने खुद करनी है। इसके लिए जो क्वेश्चन यूज हो रहे हैं इसमें वो फार्मूला वगैरह है, वो आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने ये किया है, इसके टोटल हैं 9 पार्ट्स। तो आप लोगों ने ये करना है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के जो 9 पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। तकरीबन 4-5 तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी 4-5 रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।